लाहौर हाई कोर्ट में आम इंतखाबात के लिए पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान लेने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर मुआवनत के लिए तलब कर लिया। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट में आम इंतखाबात के लिए पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान लेने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं आगाह करेंगे सुलेमान आवान, हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुलेमान, आगाह कीजिएगा। आम इंतबात के लिए पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग ऑफिसर लेने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाप्त हुई है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मामलत के लिए तलब कर लिया है। अदालत ने श्री कैन को नोटिस जारी करते हुए 12 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने जमात दी है कि दरख्वास्त गुजार कहाँ पे है, जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि वो फिलहाल यहाँ मौजूद नहीं है। जिस पर अदालत ने कहा दरख्वास्त गुजार पीटीए के अहदेदार हैं, क्या ये अहदा उन्हें यहाँ आने से रोकता है। दरख्वास्त गुजार की जानेब से बताया गया कि मेरा केस हुकूमत पंजाब के अफसरान के डी आर ओज और आर ओज लगाने के खिलाफ है। हुकूमत पंजाब के अफसरान की तैनाती गैर आइनी है। वकील दरख्वास्त गुजार अदालत ने रिमार्क की कैसे गैर कानूनी है, जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि ये तैनाती के जरिए अफसरान को ज्यादा इख्तियार दिए जा रहे हैं। पिछले 6 माह से एक सियासी जमात का कारकुन को नजरबंद करने के लिए 100 MPO जो है वो जारी किए हुए हैं। खतीजा शाह इसकी एक मिसाल है। दरख्वास्त गुजार की जानेब से ये भी बताया गया तो पहले एक FIR दर्ज होती है, फिर दूसरी होती है और उसके बाद मुलजमान को गिरफ्तार कर देते हैं और अभी तक वो ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।